जाके देखिए प्राइमरी स्कूल्स में, अब तो प्राइमरी स्कूल भी कुछ नहीं रह गया। कल की न्यूज़ है, एक 6 साल के बच्चे ने नर्सरी में अपने साथी के ऊपर गोली चला दी। 6 साल के बच्चे को बंदूक कहां से मिली? 4 दिन पहले झगड़ा हुआ था उसका। 6 साल के बच्चे का झगड़ा उस लेवल का, जिसमें रिवेंज की बात है, जिसमें प्लानिंग की बात है, क्योंकि अगर उसको बदला लेना था तभी वो लेके आया नेक्स्ट डे। और वो रिवॉल्वर जहां से भी मिला, कहीं से तो मिला उसको, उसने प्लान किया वो कहां से उठाना है, पिताजी का था किसका था, और आके फिर एग्जीक्यूट भी कर दिया, गोली भी चला दी। कल की बात है, इंडिया की, बाहर की बात नहीं कर रहा हूं, जहां लाइसेंस मिलना उतना आसान नहीं है। बट फिर भी छोटे से बच्चों की जो क्लास होती है, नर्सरी की क्लास होती है, जाके देखिए क्या अनर्थ हो रखा है। क्लास में टीचर चिल्लाता है A4, और सारे बच्चे एक साथ एक सुर में चिल्लाते हैं एप्पल। मैं भी बोल के देखूं A4, तो आपको दिमाग में एप्पल आ गया होगा, नहीं चाहूं तब भी आ गया होगा, आया नहीं आया A4, हम नहीं रोक भी नहीं पाएंगे, वो आ जाएगा। वही तरीका है इतने छोटे बच्चों को पढ़ाने का, जिस उम्र में बच्चा इतना रिच होता है इमेजिनेशन में, क्योंकि सब कुछ नया है उसके लिए, वहां भी हम उसको फोर्स कर रहे हैं, बेटा ये बोलो A4, इज इट, जो हाँ वो हर चीज जानना चाहता है, छूता है, ये वो, ये क्या है, वो क्या है, वो ताता है, हर चीज जानना चाहता है, वहां हम एक फर्क दिखाता हूं आपको मैं, क्या हो गया, नुकसान कहां हुआ। जैसे बच्चे से बोलिए, अगर शैतानी नहीं करोगे तो चॉकलेट मिलेगी। आप बोल के देखिए उससे, अगर शैतानी नहीं करोगे तो चॉकलेट मिलेगी। आप बताओ अगर वो करेगा तो, अगर वो करेगा तो नहीं मिलेगी ना। सोचो ये भयानक चीज जो हो गई आपके साथ, आपको मालूम नहीं चला, जिन जिन के हिसाब से चॉकलेट नहीं मिलेगी उनको पता भी नहीं चला उनके साथ क्या गेम हो गया इतने सालों में। छोटा बच्चा देखो पलट के जवाब देगा, वो तुरंत पूछेगा कि और अगर करूंगा तो, आप कह दो नहीं मिलेगी, वो यूं देखेगा आपको, कहते जिंदगी में पी इंप्लाइज क्यू नॉट, क्यू इंप्लाइज नॉट पी नहीं पढ़ा आपने इतने बड़े हो गए? पी इंप्लाइज क्यू से क्यू तो पी को इंप्लाई नहीं करता है ना। अगर शैतानी नहीं करोगे, ये है पी स्टेटमेंट, एंड व्हाट इज क्यू स्टेटमेंट, चॉकलेट मिलेगी। क्या नॉट पी नॉट क्यू इंप्लाई करता है? नहीं। Differentiability implies continuous, not differentiable, not continuous, नहीं ना। अब बोलिए सही बात है कि नहीं, जो अपन हमने चर्चा की यहां पर, ये जो carelessness है ना, ये जो carelessness, ये हमें सिखा दी गई, जबकि वो छोटा बच्चा पलट के पूछ बैठता है कि अगर करूंगा तो, उसे मालूम है कि करने के बाद भी मिल तो सकती है, क्योंकि P implies Q में not P not Q imply नहीं करता। P implies Q, then not Q implies not P. Differentiability implies continuity, not continuous implies not differentiable. Convergent implies bounded, not bounded implies not convergent. P implies Q, not Q implies not P. ये इतनी fundamental चीज है, हम ये नहीं सीख पा रहे हैं या हम ये नहीं सिखा पा रहे हैं, ये हम लोग की कमी है।